हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दर्शे क्लासेस। अपना चैप्टर 5 चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उसकी एक क्लास हो गई अभी, देखो ना, लास्ट क्लास मैंने करवाए थे फॉर्मूले इसके, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल भी करवाया था आपको। तो आप अगले एग्जांपल पर देखते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, उसी पर डिपेंड है सारे क्वेश्चन, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था आपको, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेकेंड नंबर, देखो क्या फंक्शन दे रखा है। यदि v इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 अपॉन, ये देखो रूट में है ना, √x² + y² + z², ठीक है। ये दे रखा है कोई v फंक्शन ऑफ x y z का, ठीक है। तो प्रदर्शित कीजिए क्या करना है, √x² + √x² + √y² + √x² = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये v है तो पहले v के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो द्वितीयांश का कैलकुलस निकालेंगे x के सापेक्ष, y के सापेक्ष द्वितीयांश का कैलकुलस निकालेंगे, और z के सापेक्ष निकालेंगे दो बार। तो इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो देखो शुरू करते हैं, सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे। देखो सिंपल, तो v इक्वल टू क्या दे रखा है, x² + y² + z² की पावर -1/2, ठीक है। क्योंकि रूट में अपॉन में ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये समझ में आ गया ना, सिंपल। बस क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखना, बस आप सारे हो जाएंगे। देखो अभी आपके सामने दो फॉर्मूले बताए थे ना मैंने आपको, u * v का और u / v का, उस टाइप से हो जाएंगे देखो सारे। अब देखो सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे, तो देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो, देखो y और z क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो इसकी होल पावर क्या है, -1/2, तो -1/2, और पावर क्या हो जाती है x की, -1/2 -1, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो यही लगाएंगे। देखो ये तो -1/2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2 -1। देखो ये -1/2 बाहर आ गया, ये पूरा क्या माना अपन, x मान लिया, इसकी पावर क्या आ जाएगी भाई, -1/2 -1, क्या आ जाएगा, -3/2। देखो ये -3/2 आ गया। अब देखो z तो कॉन्स्टेंट है और y भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, x² है, तो इसका अलग से करेंगे तो क्या आएगा, (2x) आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो ये 2 से 2 कट जाएगा सिंपल, तो क्या बचेगा, -x, भाई x बाहर आ जाएगा, x² + y² + z² की पावर -3/2, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा, अब देखो dv / dx आ गया। अब दोबारा x के सापेक्ष करो, देखो दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो √x² तो कैसे करेंगे, √x के सापेक्ष √v / √x का, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो ये रियल वैल्यू इसकी, ठीक है। करो देखो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, देखो u * v में आ जाएगा, इसको u मान लो x को, और इसको v मान लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का करेंगे, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इसको ऐसे कैसे रखेंगे, x² + y² + z² की पावर -3/2, ठीक है, ऐसे कर दिया प्लस। अब देखो x को ऐसे रख लेंगे भाई, एक x तो ऐसे रख लिया, इसका करो देखो, तो ये x की पावर क्या आ गया, -3/2, तो क्या आएगा इसका, -3/2 x की पावर -3/2 -1, तो -3/2 x की पावर -5/2, ये आ जाएगा। तो देखो -3/2, ठीक है, पहले सो देखो, देखो इसमें डायरेक्ट सिंपल सोल्व कर रखा ना, तो -3/2 x की वैल्यू ऐसे कैसे रह गई, ठीक है, और -5/2। अब देखो x² करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 2x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, 3/2 से 3/2 कट जाएगा ना, ये भाई देखो ये इन्होंने डायरेक्ट काट दिया ना, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल देखो समझो, मैंने क्या कहा, -3/2, ठीक है, और ये -x पहले से था, तो ये -- प्लस तो समझ में आएगा नहीं, तो प्लस आ गया यहाँ से, (x)-5/2, ठीक है। इंटू में ये x² क्या जाएगा, 2x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1x ये आ गया, और 1x पहले का बचा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये x² आ जाएगा, तो -2 से 2 कट गया, तो -3, और ये पहले माइनस का साइन है, तो ये प्लस का 3 3x² (x² + y² + z) की पावर -5/2, सिंपल, ठीक है। कर लो देखो इनको और देखो आगे, तो क्या बचेगा, ये -y² + z² - 2x², ठीक है। अपॉन में देखो ये पावर माइनस में तो आ गई,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। तो ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, मतलब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गया समझ में। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे और तो ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखो आगे ऐसे क्या करेंगे सममिति से, भाई डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला था, ऐसे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो सेम आ जाएगा ये। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, पहले क्या निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, फिर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंपल करेंगे तो देखो यही आएगा इसका ना, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब जो सममिति क्या होगी, देखो वहां पे क्या आया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था। ठीक है, तो ऐसे चलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2, ये कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, तो ये क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, मतलब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सिंपल, देखो यहाँ पे, देखो वहां पे क्या था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर था, फिर यहाँ पे क्या आ गया वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये तो सेम रहेगा नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ये आ जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करना है। सिंपल देखो, तो तीनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, देखो करो, देखो पहले क्या आ रहा था माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर फिर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये बताया ना सम्मिति से आ जाएगा ये, ऐसे फिर यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो अब नीचे सब में कॉमन है तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ से देखो ये प्लस का वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का जेड स्क्वायर है, ये माइनस का जेड स्क्वायर जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहां से देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है। ठीक है, और ये माइनस का 3x स्क्वायर, इधर से ये 2y स्क्वायर, ये 2z स्क्वायर, ये सारे कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अरे ये सारे कट जाएंगे आपस में ना, तो क्या आ जाएगा ये ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ऊपर वाले कट जाएंगे, क्योंकि एलसीएम आएगा तो सेम ही आएगा इनमें, ये क्या गया एलसीएम सबका सेम है तो बस डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ये, तो बार माइनस का साइन है तो क्या आएगा ये माइनस का वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा 2x स्क्वायर, इधर क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 2y स्क्वायर, इधर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, ये क्यूब में 5 की पावर 5/2 आएगा ना, ये तो नीचे तो एलसीएम सेम है सबका। अभी देखो एक माइनस का वाई स्क्वायर और एक माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस के 2y स्क्वायर ये रहा, इससे कट जाएगा, जेड स्क्वायर एक माइनस का ये रहा एक ये रहा, प्लस के 2z से कट जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर से कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, अपॉन में कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 0, सिंपल सा। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कट जाएंगे सारे आपस में, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसका एक और, अब देखो u इक्वल टू क्या दे रखा है, u इक्वल टू e की पावर xyz, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, डेल क्यूब u अपॉन dx dy dz, पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष और फिर z के सापेक्ष करना है। आंसर क्या आएगा, 1 + 3xyz + x²y²z² (e)(xyz), ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना अपने को, तो सबसे पहले देखो u क्या दे रखा है, e की पावर xyz, सबसे पहले x के सापेक्ष करेंगे, देखो इसको करो, सबसे पहले देखो z के सापेक्ष कर ले भाई इसको ना, dz पहले z के सापेक्ष करो, तो x तथा y को अचर मानकर z के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x और y कांस्टेंट हो गए, z के सापेक्ष करो e की पावर xyz, ये तो ऐसे रह जाएगा भाई, e की पावर का x का क्या होता है, e की पावर x तो होता है dy dx। ठीक है, तो यहाँ पे जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो e की पावर जेड आ जाएगा, ये जेड के सापेक्ष करें तो जेड आ जाएगा, तो ऐसे कैसे रख दो इसको e की पावर xyz, और xyz में करेंगे तो ये क्या कांस्टेंट है, जेड का क्या हो जाएगा 1, तो xy मल्टीप्लाई में आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, अब देखो फिर किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, तो अब एक्स और जेड को क्या मानना है, अचर मान रहा है,
और y के सापेक्ष करने पे करो। तो देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, तो मतलब डेल जेड आ गया ही अपने पास। इसका क्या करना है अब, y के सापेक्ष करना है। तो x और z क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट। तो देखो ये y इंटू e की पावर y में आ जाएगा ना, ये तो u इंटू वी की फॉर्म में आ गया ये, सिंपल सा। देखो करो इसको सिंपल, तो e की पावर एक्स वाई जेड तो सेम आ जाएगा ये, ठीक है। पहले y का करेंगे, तो y का करेंगे तो y आ जाएगा इंटू x है, तो ये x आ गया। प्लस में y को ऐसे कैसे रहने दो, e की पावर एक्स वाई जेड का कर दिया, ठीक है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, x पहले से ही है, और ये y की जेड का क्या जाएगा, एक्स जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा यहाँ से, सिंपल सा, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा ये, तो ये क्या बचेगा, e की पावर एक्स वाई जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखो अब क्या क्या बचा है, लास्ट बचा है, अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे सिंपल। तो देखो अब अंत में वाई तथा जेड को क्या मानेंगे, अचर मानेंगे, और किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, कर दो एक्स के सापेक्ष। तो देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड आ गया अपने पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर एक्स वाई जेड ब्रेकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखो कर दो इसका एक्स के सापेक्ष, तो देखो ये एक बार तो एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड, और वाई जेड तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एक्स के सापेक्ष रहेगा ये। देखो ई की पावर एक्स वाई जेड, इसको ऐसे रख लिया बनने सबसे पहले, ठीक है। तो इसका कर दो, ये पूरे क्या मान लिया बनने, इस पूरे को यू मान लिया, और इसको पूरे को क्या मान लिया, वी मान लिया। तो पहले देखो, पहले यू को ऐसे कैसे रहने दो, ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, वी का करो 1 + 2 xyz, आ गया वी का प्लस। अब देखो वी को ऐसे कैसे रहने दो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका कर दो ई की पावर एक्स वाई जेड का, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और एक्स वाई जेड का वाई एक्स के साथ इस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, और वाई जेड ऐसे कैसे, सिंपल सा। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, देखो यहां से तो क्या बचेगा, देखो अंदर ई की पावर एक्स वाई जेड ले लिया, तो ये बच गया 1 + 2 xyz, और यहाँ से x प्लस ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। भाई ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो पहले x से करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड और 2 xyz यहाँ से है, तो ये क्या आ गया, 3 xyz, सिंपल सा, ठीक है, ये 3 xyz आ गया। और ये एक्स स्क्वेयर वाई जेड को वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस मतलब एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये आ गया, ठीक है। तो अपने को देखो क्या निकालना था, यही तो था, e की पावर एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 3 xyz एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, यही तो प्रूव करना था अपने को सिंपल। देखो वही आ गया, सबसे पहले क्या करें, देखो सिंपल सा, सबसे पहले जेड के सापेक्ष किया तो ये आ गया एक्स वाई ई की पावर, जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स और वाई को कॉन्स्टेंट लेंगे, ठीक है, फिर वाई के सापेक्ष किया तो तब क्या आएगा, एक्स और जेड कॉन्स्टेंट आएगा, और फिर लास्ट में किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट आएंगे वैल्यू, सिंपल सी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, ये 12th के फॉर्मूले हैं सारे, है ना भैया, वो कलर यू इंटू वी और यू अपॉन वी मैंने बताया था आपको पहले ही, सारे वही यूज होंगे मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया इसका सिंपल। अब देखो और एग्जाम्पल देख लो इसके, 4 नंबर देखो, यू क्या दे रखा है, लॉग की फॉर्म में दे रखा है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना, देखो एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है, एक्स तो मल्टीप्लाई में, तो डेल स्क्वायर यू पहले क्या करना है, जेड के सापेक्ष करना है यू को, फिर वाई के सापेक्ष, और एक्स मल्टीप्लाई में, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले एक्स के सापेक्ष करना है, फिर जेड के सापेक्ष करना है, मल्टीप्लाई में क्या करना है, वाई करना है, ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड में क्या करना है, पहले वाई के सापेक्ष करना है और फिर एक्स के सापेक्ष, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जेड करना है। अब ये तीनों स्टेप आएंगे, तीन स्टेप, तीनों क्या करना है, इक्वल आएंगे, देखो तीनों सिद्ध करना है, क्योंकि पहले से पता अपने को इक्वल आएंगी ये। अब देखो प्रूव करके देखते हैं इसको, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले ये इसको एक्स के सापेक्ष कर लो, कैसे भी कर लो, जैसे आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है, तीनों इक्वल आएंगे ये हमेशा ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो एक्स के सापेक्ष, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स,
लॉग एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, ये पूरा क्या है एक्स, तो वन अपॉन एक्स तो ये पूरा एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर से क्या जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना अपने को, जेड के सापेक्ष करना है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या करना है, जेड के सापेक्ष करो। देखो यहां से ये क्या आ गया, यू, और ये वी, तो यू अपॉन वी फॉर्म में आ गया सिंपल सा। ठीक है, यही करा देखो, तो डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, तो जेड के सापेक्ष करना है एक्स का, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कॉन्स्टेंट हो जाएंगे जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, तो सिंपल देखो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से यही आएगा सेम ही, क्योंकि देखो यहां से करेंगे तो माइनस टू एक्स टू जेड अपॉन, ये जेड स्क्वेयर ऊपर जाके टू जेड हो जाएगा, और नीचे ये ऐसे कैसे रहेगा सिंपल सा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, और देख लो फिर, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो माइनस फोर एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस टू, क्योंकि ये यू अपॉन वी में, तो ये अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पावर क्या आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, ये तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस टू, क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगी। ये ऐसे देखो y, अब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करो, y डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस फोर एक्स वाई जेड, भाई y मल्टीप्लाई हो गया बार, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड देखो, इसी प्रकार सममिति से, तो क्या आ जाएगा, देखो डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स में आया था तो ये आ गया, ऐसे देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसमें भी वही वैल्यू आएगी, माइनस फोर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस की पावर टू आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, जेड एक्स के सापेक्ष करें तो ये आ रहा है, एक्स वाई के सापेक्ष करें तो ये आया। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स के सापेक्ष करेंगे, देखो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड, इसमें क्या आ जाएगा, देखो यही आएगा सेम, माइनस फोर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस टू। अब देखो, एक मैंने करके दिखा दिया आपको, ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब सिंपल इसको करोगे तो ये भी वैल्यू यही आएगी, सबसे पहले वाई के सापेक्ष करेंगे और फिर एक्स के सापेक्ष, इसमें पहले जेड के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इसको कर सकते हैं अपने आराम से। अब देखो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, देखो यही तो प्रूफ करना था, फर्स्ट ये आ रही है, सेकंड ये, और थर्ड, तीनों बराबर दे रखे हैं देखो। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू बराबर ही आ रही है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा सिंपल, है ना, तो कर सकते हैं इसको आराम से, कुछ भी नहीं है अवकलन करना और कुछ भी नहीं करना इसमें, ना, तो अपन आराम से कर सकते हैं इसको, और जो भी डाउट हो, जो कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो अपन पूछ सकते हैं आराम से, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, बता देंगे उसको आराम से। ठीक है, और आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना आराम से, सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड है नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं अपन आराम से, है ना, तो इसको कर लेंगे। अब देखो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ठीक है, ये मैंने बताया दिया आपको, तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और जेड की पावर जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, सी, तो क्या प्रदर्शित करना है अपने को, एक्स इजिकल टू, अभी देखो क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स इजिकल टू वाई इक्वल टू जेड पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्या आएगा, माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, ये प्रूव करना है। कब प्रूव करना है, ये जब एक्स इजिकल टू वाई और इक्वल टू जेड हो। ठीक है, अभी देखो कहाँ पे आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2005 में 2012 में पूछा हुआ है, उदयपुर में 2004 में, जोधपुर में 2009 में, कोटा में 2008, अजमेर में 2006 और 2013, बीकानेर देखो 2004 में, 6 में, 8 में और 11 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है, देखो अभी करते, देखो सिंपल, तो फलन क्या दे रखा है अपने को, देखो ये दे रखा है एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड इक्वल टू सी, तो यहाँ से देखो जेड की पावर जेड निकाल लेंगे, तो सी अपॉन एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई आ गया सिंपल। अब देखो तो ये किसका फलन हो गया, जेड एक्स और वाई का फलन है, ये पता लग गया अपने को सिंपल सा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो पावर में आ रहा है, जेड की पावर जेड आ रहा है, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर सी, तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे अपन, तो क्या आएगा, देखो भाई इधर भी लॉग लेंगे, ठीक है, और ये
इधर भी लोग लेगी इस पूरे पे, तो देखो लोग ए की पावर क्या बी क्या होता है भाई, ये रिजल्ट पता है ना अपने को, लोग ए की पावर बी क्या होगा, बी लोग ए, देखो ये इस प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, जेड की पावर जेड क्या जाएगा, जेड लोग जेड, ऐसे ही लोग सी, ये क्या होता है लोग ए अपॉन बी क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी, ठीक है ये पता है अपने को रिजल्ट, तो इधर की साइड ये लगा देंगे, तो लोग सी माइनस ये एक्स की पावर एक्स है, तो एक्स लोग एक्स माइनस वाई लोग वाई, ये पता है अपने को बताया था मैंने आपको भाई, ए की पावर बी में क्या जाएगा, बी लोग ए, तो एक्स की पावर क्या जाएगा, एक्स लोग एक्स, वाई की पावर वाई क्या जाएगा, वाई लोग वाई, ये आ गया देखो यहाँ से। अब इसको और सिंपल करो देखो, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो डेल एक्स डेल वाई दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो जेड का क्या जाएगा, जेड लोग जेड क्या जाएगा, वन बाई जेड प्लस जेड का करेंगे तो क्या जाएगा, लोग जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है एक्स के सापेक्ष करेंगे तो भाई जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो आएगा ही आएगा, जेड का क्या जाएगा पहले देखो इसको छोड़ दिया लॉग जेड का क्या, तो वन जेड इंटू वन बाई जेड, यहाँ से जेड कट जाएगा, फिर जेड का करेंगे लॉग जेड को छोड़ देंगे, तो वन का क्या जाएगा, जेड का वन आएगा, तो ये लॉग जेड, तो वन प्लस लॉग जेड आ जाएगा इधर, तो ठीक है इधर देखो लॉग से क्या जाएगा जीरो एक्स के सापेक्ष, यहाँ से देखो एक्स लॉग एक्स का क्या आएगा, पहले एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स करेंगे तो वन अपॉन एक्स, तो एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कट जाएगा ये, प्लस एक्स को छोड़ देंगे मतलब एक्स का करेंगे लॉग एक्स छोड़ेंगे, तो ये एक्स का वन और लॉग एक्स, तो वन प्लस लॉग एक्स, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है तो सिंपल करो क्या आया इसका, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, अभी इधर जाएगा तो माइनस का साइन है पहले से, तो वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, ये किसका आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार एक्स को अचर मानते हुए वाई के सापेक्ष करेंगे, तो वाई के सापेक्ष करो तो क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस, यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे एक्स आया तो यहाँ पे क्या जाएगा वाई वन प्लस लॉग वाई वन प्लस लॉग जेड, ये आ गया इसके साथ सिंपल, ये आ गई इक्वेशन तीन आ गई, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना अपने को, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसके सापेक्ष करना था, तो देखो अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स तो डेल जेड वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई तो इसका किसके सापेक्ष करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का किसके सापेक्ष करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो करो देखो इसको, तो माइनस साइन पहले से ये डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू है वन प्लस लॉग वाई अपॉन में वन प्लस लॉग जेड, किसके सापेक्ष करना है एक्स के सापेक्ष, तो वाई तो अचर हो गया यहाँ पे, ठीक है तो वन प्लस लॉग वाई तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये यू अपॉन वन अपॉन वी आ जाएगा भाई, वन अपॉन एक्स का क्या होता है डी बाई डी एक्स करेंगे अपन इसका, तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखो माइनस का साइन पहले से था तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है ये वन प्लस लॉग वाई तो कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, वन अपॉन एक्स का क्या जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है यहाँ पे वन प्लस लॉग जेड है पूरा, तो वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है और लॉग जेड का क्या हो जाएगा वन बाई जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी जेड के सापेक्ष करेंगे एक्स का, तो ठीक है ये आ गया यहाँ पे, और सिंपल कर लो इसको, तो क्या बचेगा ये, अब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दो भाई, अपने पहले निकाली डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो देखो ये वन इंटू वन प्लस लॉग वाई ऐसे रहेगा, और ये देखो माइनस वन अपॉन जेड ये ऐसे कैसे आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स अपॉन भाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अपने पास क्या आया था अपन निकाला था ना अभी वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड, ये वैल्यू आई थी माइनस में, ठीक है डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, तो माइनस का साइन बाहर आ गया, वन अपॉन जेड पहले से था यहाँ पे, देखो ये वन अपॉन जेड, ये वन अपॉन जेड है, वन प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट था ही, तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया दो वन प्लस लॉग एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन में वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर है, और एक आ गया वन प्लस लॉग जेड, तो होल पावर क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अब देखो आगे और, तो डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई क्या आ जाएगा, अब देखो उसने क्या बोला एक्स इजल टू वाई इजल टू जेड होने पर, तो एक्स वाई जेड इक्वल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा देखो वन प्लस लॉग एक्स लॉग वाई आ जाएगा ये,
और ये वन प्लस लॉग जेड, तो सारे एक्स में ले लो इसको, सब जगह एक्स कर दो, तो जेड की जगह क्या करेंगे, एक्स आ गया, वाई की जगह भी एक्स आ जाएगा, तो वन प्लस लॉग वाई का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से भैया, क्या बचेगा, सबको एक्स कर लो, तो वन प्लस लॉग एक्स इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, जेड की जगह भी एक्स कर लो, तो ये एक्स, ये माइनस का साइन था ही पहले से, और वन प्लस जेड की जगह लॉग एक्स की क्यूब, तो ये स्क्वायर से कट गया, तो ये क्यूब कट गया, तो वन अपॉन में क्या बचा, माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स, यही तो प्रूव करना था अपने को सिंपल, देखो तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स वन प्लस लॉग एक्स की पावर क्या आ जाएगी, माइनस वन, देखो यही प्रूव करना था सिंपल, ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है नहीं ऐसा ज़्यादा, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो इसका, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, फिर अपन आगे करेंगे एक दो चैप्टर और इसका ना, तो ये यूनिट फेज के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर एट, देखो जेड क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है, प्लस फाई क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है और ये फाई ऑफ एक्स माइनस ए वाई दे रखा है, तो क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले वाई के सापेक्ष करेंगे, फिर दोबारा वाई के सापेक्ष करेंगे, तो ये आ जाएगा, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और फिर दोबारा एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, देखो करो, ये फॉर्मूले में बताया था आपको, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, वाई को क्या मानना है, अचर मानना है, तो दो बार अवकलन करेंगे इसका, क्योंकि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो देखो करो कैसे आएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का क्या आ जाएगा वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, एक्स का क्या आ जाएगा वन, आ गया ये देखो, जब दोबारा देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स, ये देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, करो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का दोबारा एक करेंगे तो वन आएगा मल्टीप्लाई में, प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, एक्स का करेंगे तो दोबारा से वन में, वन से कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, देखो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे देखो वाई के सापेक्ष करो, डेल जेड अपॉन डेल वाई, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और ए वाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ए आ गया देखो, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, इसका ए के साथ करेंगे तो माइनस ए आ गया, देखो ये ए वाई का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब दोबारा इसको वाई के सापेक्ष करो, तो देखो आ जाएगा सिंपल सा, दोबारा करो तो दोबारा क्या आएगा, ए पहले से ही है, तो एफ, अब देखो सिंपल कर लो इसको, ए बाहर आ गया, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस ए फाइव डैश एक्स एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, दोबारा करो देखो इसका, तो ये एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और ए वाई को दोबारा करेंगे तो ए बाहर आएगा, तो ये ए स्क्वायर आ गया, प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, तो माइनस ए पहले से था यहाँ पे, और दोबारा से माइनस ए, तो प्लस का ए स्क्वायर, तो ये भी प्लस का ए स्क्वायर आएगा, तो ये बाहर ले ले कॉमन अपन ने, सिंपल सा, ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो प्रूव हो गया अपना क्वेश्चन, अपने आप ही देखो ये दोनों वैल्यू निकाल लिया अपन इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड की, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रूव हो गया, देखो तो क्या प्रूव करना था, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो करो, तो एक और दो से देखो हो गया प्रूव, ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अब इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना ये, तो ये ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई भाई, यही प्रूव करना था अपने को, तो इसके एग्जाम्पल मैंने करवा दिया आपको सारे, है ना, अब इससे हार्ड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं अपने पास, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, तो देखो इसको एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ सिंपल, देखो क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, इसकी पुष्टि करनी है, दोनों वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब फंक्शन दे रखे हैं, देखो यू क्या दे रखा है, लॉग वाई प्लस साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें यू एक्स की पावर वाई दे रखा है, यू ई की पावर एम वाई कोस एम एक्स, अभी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो अपने करवाएंगे नहीं, मतलब करवाया नहीं अपने, तो देखो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये निकालना है, पहले वाई के सापेक्ष फिर एक्स के सापेक्ष,
इसमें पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष, तो वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। यही प्रूव करना है, सिंपल कर सकते हैं अपन आराम से, ठीक है। सेकंड देख लो, इसमें भी सिद्ध करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस। अब देखो जो भी वैल्यू दे रखी ना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लो, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लो, ये दो ही वैल्यू निकाल ली बस अपने क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में रख दो, दोनों बराबर हो जाएंगे सिंपल सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो अपन नहीं कर सकते, है ना। तो आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व किया करो तरीके से, पहले इसकी थ्योरी पढ़ो आराम से, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन करो, और जो नई क्वेश्चन आएगा वो उसको बता देना आप, कमेंट बॉक्स में डाल देना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका बता दो, अपन कर लेंगे उसको आराम से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया करो, देखो इसमें क्या करना है, डेल जेड डेल एक्स निकालना है, इस ये फंक्शन दे रहा था, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, यहाँ से निकाल लो, दो वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दो, बराबर आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। और देख लो क्वेश्चन इसके, तीन नंबर देख लो, यू दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई माइनस अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो क्या करना है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये कर सकते हैं आराम से, ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, ये फोर नंबर भी कर लो, ये भी प्रूव करना है, 5 6 ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं भाई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप ना, इस 6 8 9 नंबर तक आ जाएंगे ये सारे, क्या प्रूव करने भाई, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये यू दे रखा है, यहाँ से पहले वाई के सापेक्ष फिर एक्स के सापेक्ष, ये तो करना पड़ेगा ना, आराम से कर सकते हैं अपन ऐसे। यहाँ पे देखो डेल एक्स स्क्वायर निकालना, डेल वाई स्क्वायर निकालना है, ये भी कर लेंगे आराम से। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो अपन कर नहीं सकते हैं, ये मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं आपको, 4 या 5 फॉर्मूले हैं इसके, और वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अलावा कुछ इसमें है नहीं ऐसा जो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना सारे क्वेश्चन है ना, 14 15 क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सारे प्रूव करना। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, ये फंक्शन दे रखा है सिंपल, ऐसे ये फंक्शन दे रखा है, इसमें ये निकालना है, कर सकते हैं आराम से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो नहीं कर सकते हो ना, और जो भी नहीं आए वो सारे बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगा आपको, तो खुद तो ट्राई करोगे तभी तो आएगा, मैथ का सिस्टम यही है, जितना अपन खुद करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा अपने को। अब मैं तो सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, मैंने पहले भी कराए हैं, तो तुम्हारे को समझ में आएगा नहीं फिर, तो उससे बढ़िया है कि आपने सारे सोल्व करो क्वेश्चन आराम से, जो नया है जिसमें डाउट वो बता दो मेरे को, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सारे ट्राई करना आप क्वेश्चन, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ना आराम से, रिलैक्स होकर थ्योरी पढ़ना, उसके फॉर्मूले देखना, समझना उनको क्या दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन करने सोल्व, मैंने करवा दिया, उसके अलावा जो नहीं आया वो बता देना आप, ठीक है। तो अब इससे अपन अगली क्लास में करेंगे, इसकी 2 क्लास से हो रहा, ठीक है ना, इसकी तो ये अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये तो अपनी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट और फोर्थ मैंने करवाई दी आपको, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली क्लास में देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन करना ट्राई सारे, है ना। थैंक यू।